अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती करते सब खैरियत से होंगे अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज है दावत हमारे घर में तकरीबन बत्तीस अफराद की दावत है ये बच्चे इसके अलावा एक्स्ट्रा होंगे तो दावत में का जो सबसे पहले हम क्या करेंगे अगर बड़ी दावत कर रहे हैं तो उसके लिए पहले हम लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट में हम मतलब जो मेन्यू है वो डिसाइड करेंगे कि क्या क्या हमने दावत में मेन्यू रखना है तो सबसे पहले मैंने लिस्ट तैयार कर ली थी मतलब मेन्यू के साथ साथ हम चीज़ें भी लिखते जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी मत मसला अगर हम hmm, बिरयानी बना रहे हैं या पुलाव बना रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी या हमें अ, अगर रेशन सेलेट बना रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी तो उसके साथ मतलब उसके सामने अगर आप लिख लेंगे ना तो आपको अंदाज़ा रहेगा कि और कितनी क्वांटिटी में चाहिए तो ये भी आपको अंदाज़ा रहेगा तो रोटी मैंने यहाँ पर खैर अठारह लिखी है लेकिन मेरे ख़्याल से पंद्रह रोटी नफ़ होगी क्योंकि पुलाव भी है और सूप वग़ैरह भी है तो सूप पीने के बाद तो वैसे भी कमी थोड़ा खाया जाता है सर्दी की वजह से मैंने सूप बना लिया था कि ठंड है अच्छी खासी तो पहले मतलब ज़ाहिर है बिल्कुल एकदम एंड टाइम पे तो नहीं आते लोग थोड़ा पहले ही आ जाते हैं तो जब चाय के बजाय सबको सूप सूप जो है वो सर्व कर देंगे जो जो वक्त से आ जाएगा और जो लेट होगा तो भाई फिर देखेंगे खाने का टाइम ही हो जाएगा फिर तो तो जो पहले आ जाएगा तो उसके लिए फिर हम और दावत में मैंने क्या मेन्यू बनाया है सूप है पुलाव है टिक्का कड़ा चिकन कढ़ाई है और शीरी है रशियन सेलेट है और इसके अलावा सादा जो सलाद रायता होता है वो है और रोटी वगैरह है कोल्ड ड्रिंक है और उसके बाद फिर चाय होगी तो उसके हिसाब से मैं न, कल ग्रॉसरी करके ले आई थी जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो, वो सब मैंने ले ली हैं क्योंकि मैंने सामान लिख लिया था इसलिए मुझे परेशानी नहीं हुई और सब चीज़ें जहन में होती हैं फिर कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए तो उसके हिसाब से सारी मैंने ये ख़रीदारी कर ली थी कल आ, तो अच्छा दावत जब भी आप बड़ी दावत करें माशाल्लाह ये बड़ी दावत है तो जाहिर सी बात है कि सारा एक चीज़ पकाने के लिए आपको दस चीज़ें काटनी पड़ती हैं कटिंग करनी पड़ती है वेजिटेबल की या फ्रूट की या किसी भी चीज़ की प्याज वग़ैरह ये सब चीज़ें तो मतलब जिस दिन दावत है मिसाल के तौर पे आज मेरे घर में दावत है तो मैंने ये सब कुछ एक दिन पहले मतलब फ्राइडे सॉरी हाँ फ्राइडे वाले दिन ये सब सामान मैंने ख़रीदारी कर ली थी ग्रोसरी जो है वो आप मतलब दो दिन पहले कर लें और उसके बाद जो फिर अगला दिन होगा उसमें आप क्या करेंगी कि सब चीज़ों की कटिंग कर लेंगे जो चीज़ ख़राब होने वाली ना हो मतलब उन सब चीज़ों की कटिंग कर लेंगे सब सामान में जैसे मैंने ले लिया था जुम्मे वाले दिन और फिर हफ्ते वाले दिन मैंने कल क्या किया <coughs> अभी तक खांसी सही होने का नाम नहीं ले रही है तो कल हफ़्ते वाले दिन फिर मैंने क्या किया था कि सब मतलब चीज़ें जो मैरिनेट करने के था सामान वो सब मैंने मैरिनेट कर दिया था और जो कटिंग करने का था सब वो मैंने कटिंग कर दिया था चिकन और बीफ वगैरह सब मैंने वॉश कर लिया था तो अच्छा बीफ का गोश्त हमने खुद लेके कर दिए और पकवा देंगे मतलब पकवान से क्योंकि ये हड्डी वाला बेतुका सा गोश्त डालते हैं इसलिए हमने बिल्कुल रूखा गोश्त अच्छा गोश्त लेके दिया दिए उन्हें बीफ का और वो फिर मतलब पकवाई दे देंगे और पाँच किलो का पुलाव बनवाया बाहर से बाकी सब चीज़ें मैंने खुद तैयार की हैं सब मैंने कटिंग करके रख लिया लहसुन अदरक भी छील के रख लिया छिला हुआ था मतलब अदरक छील लिए ये सब पीस लेंगे हम जो पीसने की चीज़ें हैं वो सब मैंने रात को ही पीस ली थी गरम मसाला पीस के रखा और ये पाँच किलो दूध का की लपेशीरी बनेगी तो ये सब दूध भी आ गया अब मैं इसको गर्म होने पर रख दूँगी गैस की आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है तो उस हिसाब से भी बहुत मुझे टेंशन थी कि कहीं ऐसा ना हो कि दावत वाले दिन आ, कोई काम रह जाए और गैस की वजह से प्रॉब्लम हो तो मैंने इसलिए भी सारी चीज़ें मतलब सूप का भी मैंने आ, जो कॉर्न था उसको छील कर और बॉयल करके और पीस लिया था मैंने ब्लेंडर में वो सब और चिकन की अखनी तैयार कर ली थी सूप के लिए जो चीज़ें थी बाकी तैयारी मैंने सुबह फिर उठ के की थी जैसे ये रेशन सेलेड का सामान है ये सब मैंने छील के काट के बॉईल कर लिया था तो इसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था तो ये ठंडा भी हो जाता है एक तो और फिर दूसरा ये कि आपको ज़्यादा सिर्फ आपने मतलब मिक्सिंग करनी होती है दावत वाले दिन और फिर भी काफ़ी टाइम लग जाता है अच्छा खासा टाइम लगता है माशा काफ़ी चीज़ें होती हैं तो फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है तो इधर मैं चिकन टिक्का कढ़ाई के लिए भी मैरिनेशन कर रही हूँ मैंने पूरा एक जो वो तंदूरी मसाला होता है वो पूरा इसके अंदर डाला है और इसके अलावा थोड़ा सा और घर का भी डाला है क्योंकि तीन के जी की के जी की मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का कढ़ाई तो उसके अंदर अच्छा ये डाल दिया था मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था और दही एक पाव था ये ये सब चिकन में को अच्छी तरह वॉश करके पूरा छलनी में आप पूरा ड्रेन कर लें और उसके बाद फिर इसको हम अच्छी तरह बोटियों के ऊपर लगा कर फ्रिज में मैंने रख दिया था और फिर सुबह मैंने क्या किया था कि सुबह उसकी जो तैयारी थी वो सुबह मैंने की थी पकाने की तो जो मेरीनेशन का काम था वो मैंने रात को कर लिया था दूध बॉयल करके मैंने रात को रख दिया था ये कि मीठा मैंने सुबह तैयार किया है क्योंकि रात से ही अगर बना के रख देते तो फिर वो कस्टर्ड मतलब पतला सा उसका वैसे ही कस्टर्ड बनता है और उसमें अगर हम कोई चीज़ मिला देते हैं मतलब फ्रूट वग़ैरह डलते हैं लबेशीरे में तो फिर वो पानी छोड़ देते हैं इसलिए मैंने दूध सिर्फ बॉयल करके रख लिया था और फिर सुबह मैंने नाश्ते से फारिग होने के बाद मीठा बनाया सब रशियन सैलेड बनाया सादा सैलेड तैयार किया और ये सालन तैयार किया मतलब आधा आधा काम हुआ हुआ था तो ज़्यादा परेशानी प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे तो ये सब तैयारी की मैंने आ, उसके साथ साथ फिर मैंने आ, मतलब अभी काफ़ी मतलब थोड़ा बहुत काम अभी भी रह गया है ये कहना चाहिए अभी मैंने रायता नहीं बनाया है आ, उसका न, हरी मिर्ची और वो मैंने पुदीना पीस के रख लिया बस दही अभी सिर्फ रह गया दही आएगा तो उसका रायता बन जाएगा और कोल्ड ड्रिंक रह गई है रोटी रह गई बस ये काम अभी रह गया और चाय का काम तो फिर सबसे एंड में ही होता है <coughs> तो <coughs> वो ये दोनों देख लेंगी मिथत और आ, आयरा देख लेंगी ये दोनों काम और बर्तन भी बाद में ये लोग ही दोनों धोएंगी इधर ये कॉर्न देखें मैंने इस तरह पीस लिए तो ये सही रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हल्का सा मैंने इसको बॉइल किया बहुत ज़्यादा बॉइल नहीं करना बस थोड़ा सा बॉयल करेंगे ताकि ख़राब भी ना हो अगर आप इसको रखेंगे भी ना तो आप एक दफ़ा ही मतलब एक किलो जितना कॉर्न लेके उसको बॉयल करके अलग अलग पोर्शन बना के रख लें तो जब भी आपको सूप बनाना हो एक पोर्शन उसमें डालें फ्रीज़ किया हुआ और सूप बन जाएगा आपका तो ये कॉर्न बहुत अच्छा टेस्ट देता है चिकन कॉर्न सूप में ये देखें मैंने रायते के लिए भी ये सब पीस के रख लिया है और प्याज़ भी मैंने चॉप करके रख लिए टमाटर भी मैंने ब्लेंडर में चला लिए लहसुन अदरक भी और इधर दूध भी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है और इसके अंदर हम डालेंगे रंगीन सवैया थोड़ा सी अच्छा थोड़ा सा जो मतलब थोड़ा सा मीठा मैंने अलग बनाया था उसमें मैंने सुकराल डाला था मतलब जो शुगर पेशेंट के लिए होता है ये देखें ये अलग बन रहा है क्योंकि ऊपर बड़े भाई को भी शुगर है आ, जेट को हमारे और हमारी एक नंद को भी शुगर है इन्हें मेरे हस्बैंड को भी शुगर है तो जो शुगर पेशेंट हैं और मेरे देवर को भी पूरे ही सब बहन भाइयों को बेचारों को शुगर है इन लोगों को तो बेसिकली ये हमारे आ, मतलब ससुराली दावत है ये मेरी और जिन बच्चों की मतलब अभी तक मैंने शादी की दावत रह गई थी नहीं की थी वो ख़ास तौर से उनकी शादी की दावत है ये तो जिसमें मेरे देवर की दोनों बेटी हैं की अभी तो अभी शादी हुई है और बीबा की पहले हुई थी और इसके अलावा मेरे मेरा भतीजा रजा उसकी शादी हुई थी तो इन ये तीन दावतें रह गई थी तो ये ख़ास तौर से उनकी दावत है तो फिर जेठानी की और देवरानी की भी फैमिली को इनवाइट किए मैंने तो ये सब तो मतलब पूरी ससुराली दावत है हमारी <coughs> रंगीन सवैया मैंने डाल दी अच्छा और चीनी मैंने इसमें तकरीबन ढाई कप डाली थी आ, ये बड़े वाले कप हैं थोड़ा मीठा जो है ना वो मीठा ही थोड़ा अच्छा लगता है बिल्कुल फीका नहीं अच्छा लगता तो ढाई कप बड़े वाले भर के मैंने इसके अंदर चीनी डाली है तकरीबन आप कह लें कि ढाई पाव जितनी चीनी डाली है पाँच किलो में और बस इसको हमने कस्टर्ड को जो है ना पतला सा तैयार करना है कस्टर्ड घोल के मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा पतला ही रखना है हमने इसको क्योंकि ठंडा होने के बाद भी थोड़ा सा गाढ़ा होता है ये और इधर मैंने यखनी चढ़ा दी है उसके लिए सूप के लिए और ये मेरीनेट किया हुआ चिकन है अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी मतलब टिक्का कढ़ाई हम बना रहे हैं तो पहले हम टिक्के की तरह इसको तैयार कर लेंगे ये ग्रिल पैन में मैंने थोड़ा सा ऑइल डाल दिया और उसके अंदर बस अब हम ये सारा सेट करते जाएंगे चिकन और जब एक तरफ से सीख जाएगा तो पलट के दूसरी साइड से भी इसको हम मतलब सेक लेंगे अच्छी तरह और ये तेज़ आँच भी हमें थोड़ा सा करना है क्योंकि फिर अगर हम हल्की आँच पर रखेंगे ना तो ये सारा पानी छोड़ देगा चिकन तो थोड़ा तेज़ आंच पे हम इसको बस पाँच मिनट के लिए एक साइड से और पाँच मिनट के लिए दूसरी साइड से इसको हम मतलब ग्रिलिंग मार्क आ जाएंगे इसके ऊपर इतना इसको हम बस रखेंगे और बाकी पकेगा तो ये जाहिर सी बात है कि उसमें ही जाकर सालन के साथ ही तैयार होगा ये बस इसमें इसका मकसद है कि इसके ऊपर वो मतलब ग्रिलिंग मार्क आ जाए तो ये सेट कर देंगे दो पोर्शन में मैंने इसको कर लिया था दो दफ़ा में ये हुआ था तो ये मैंने कर लिया था ये करके मैंने फिर मसाला इसका रेडी कर लिया था मसाले में क्या है सिंपल प्याज आपने जो चॉप की हुई बारीक चॉप कर लें उसको और उसको लाइट ब्राउन करना है उसके बाद आपने उसके अंदर जो टमाटर हमने ब्लेंड करके रखे थे तकरीबन मैंने इसके अंदर तीन पाव जितने टमाटर डाल और आधा किलो जितनी प्याज डाली तो वो डाल देंगे हम उसके अंदर और लहसुन अदरक डालेंगे और एक मैंने कढ़ाई का मसाला डाला है इसके अंदर और थोड़ी सी कुटी मिर्चें डाली हैं नमक डाला है तो ये मसाला हम भून लेंगे अच्छी तरह और उसके बाद फिर जो चिकन हमने ये तैयार होगा ना ये उसके अंदर डाल के अच्छी तरह थोड़ा सा पानी डाल के हम उसको अच्छी तरह गला लेंगे मतलब चिकन तो वैसे ही हाफ कुक तो हो ही जाएगा तो और थोड़ा सा हम पका लेंगे उसके बाद और गार्निश जो है वो हम जब सर्व करेंगे ना जब ऊपर से हरा धनिया हरी मिर्चें और अदरक से गार्निश करेंगे इसको हम तो गार्निश अभी मैंने नहीं किया अभी यूँ ही सब काट पीट के सब सामान रखती है काट पीट के अपने अपने वर्ड ज़रूर बोलती हूँ मैं कुछ ना कुछ तो वो जब हम सर्व करेंगे ना खाना जब इधर सूप भी पक रहा है ये देखें ये सूप है तो जब हम सर्व करेंगे उसके लिए गर्म करेंगे जब खाना तो फिर हम ऊपर से हरा धनिया हरी मिर्ची और अदरक गार्निश करके फिर सर्व करेंगे और टमाटर आजकल शुक्र है थोड़े सस्ते भी हो गए और अच्छे आ रहे हैं लाल लाल टमाटर तो ये सब बिल्कुल बारी आपने चॉप कर लें या तो फिर ये है कि ब्लैंडर में मोटा चला लें बिल्कुल लई की तरह आपने इसका बुरादर सा नहीं बनाना ब्लेंडर में हल्का सा बस पुश करेंगे हल्का सा ये चॉपिंग उसमें फॉर्म में आ जाएंगे ना तो बस जब हमने इसके अंदर डालना है ऑयल थोड़ा सा इसके अंदर सही रखिएगा ताकि मतलब दावतों में तो थोड़ा ऑयल अच्छा लगता है सालन में वैसे तो मैं बहुत कम ऑयल मैंने कर दिया है मिर्चें और ऑयल मैंने काफ़ी कम कर दिया लेकिन ये किताबतों में थोड़ा अच्छा लगता है रोगन वाला सालन हो तो इधर सूप भी अच्छा सा पक गया पक रहा है और मैंने इसमें थोड़ी सी गाजर भी डाल दी थी और कॉर्न है इसके अंदर सॉसेज़ हैं सारे मैंने सॉस वगैरह सब डाल दिए सूप की रेसिपी मैंने कोई आपको नहीं दिखाई क्योंकि पहले भी और सबको आता ही है बनाना तो बस इसके अंदर मैंने सारे सॉस वग़ैरह डाल दिए थे काली मिर्च नमक डाल दिया था और बस उसके बाद क्या करेंगे हम इसको अंडा ऊपर कॉर्नफ्लोर डालेंगे थिक करने के लिए थोड़ा सा और फिर ऊपर से अंडा डाल देंगे हम फेंट के तीन अंडे मैंने इसमें फेंट के डालें सूप में ये देखिए मसाला हमारा कितना अच्छा सा भुन गया अब इसके अंदर बस हम जो हमने फ्राई करके चिकन रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे और उसके बाद हम कोयले का इसको स्मोक देंगे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे और बहुत अच्छा सालन बनता है तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को भी इस तरीके से इससे यह कि थोड़ी सी ग्रेवी भी रहती है बिल्कुल सूखा सूखा सालन नहीं बनता थोड़ी ग्रेवी भी रहती है और चिकन जो है हमारा अंदर तक से स्मोकी हो जाता है तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे और देखिए बस मिक्स कर देंगे हम इसको आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई और बोल बोल के मैं थक गई हूँ एकदम इतनी बोलने की आदत नहीं है तो आप लोगों के लिए व्लॉग बनाती हूँ प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक किया करें शेयर किया करें कमेंट्स किया करें अच्छे अच्छे ताकि हौसला अफजाई हो मेरी ये देखें और इधर जनाब ये कितनी कम लग रही है आपको पाँच किलो की ये लबे चीरी इसके अंदर मैंने ये एप्पल कट करके डाल दिए अच्छा मैंने छिलका नहीं उतारा क्योंकि सॉफ्ट ही थे वैसे नहीं थे ज़्यादा एप्पल ना तो अच्छी तरह बस धो के मैंने इसको कट कर लिए छोटे टुकड़ों में और ये डाल देंगे हम इसमें मैंने मतलब कस्टर्ड रंगीन सवैया और ये एप्पल जाएंगे इसके अलावा बनाना जाएंगे इसके अंदर और फ्रूट कॉकटेल जाएगा इसके अंदर और जेली जाएगी ये सब चीज़ें जेली मैंने जमाने के लिए रखी हुई है अभी बिल्कुल लास्ट में मैं ऊपर से गार्निश करूँगी कुछ लोग ड्राई फ्रूट भी डालते हैं अपनी अपनी मर्जी ये जो चीज़ डालें तो ये इसका सीरप हटरा के हम थोड़ा सा डालेंगे और ये जो सिरप है ना ये भी आपने ज़ाया नहीं करना है इसका ये हम रेशियन सेलेट में डालेंगे तो क्रीम के साथ इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है रशियन सेलेट में तो ये बस ये मैंने सिरप हटा हटा के इस तरह डाल दिया इसके अंदर <coughs> और इधर जना बन रहा है रशियन सेलेट कस्टर्ड हमारा हो गया था रेडी मैंने उसको प्यारों में निकाल कर फ्रिज में रख दिया और इधर हो रहा है हमारा रशियन सेलेट रेडी कोई ना कोई वीडियो ऐसी बन जाती है पता नहीं छोटी सी छोटी तस्वीर आ रही है इसमें और दो क्रीम मैंने पैकेट दो पैकेट क्रीम ली थी मैंने और एक पाउच मैंने म्योन म्योनीस का लिया था तो ये चीज़ और इसके अंदर मैंने चीनी डाली है पीस के डालें आप इसके अंदर चीनी ना और तकरीबन आधी प्याली के करीब मैंने इसमें चीनी डाली है और चार चम्मच भर के मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है और आधा चम्मच नमक डाला है ये चीज़ें डाल के बस हम अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद जो उसका सिरप था ना कॉकटेल का ये भी हम डाल देंगे तो इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है देखिए मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया तो बड़ा अच्छा क्रीमी सा और फ्लेवरफुल सा क्योंकि सारे फ्रूट के का इसमें सिरप है तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है इसमें और इसके अंदर मैंने खीरा डाला है एप्पल डाले हैं और इसके अलावा गाजर मटर वो जो बॉयल करके मैंने सब सामान रखा हुआ था मैकरोनी और आलू ये सब चीज़ें मैंने ये बॉयल करके रखी हुई थी ये देखें ये सब चीज़ें डाल देंगे हम इसके अंदर और बंद गोभी डालेंगे बंद गोभी को भी बिल्कुल बारीक का आपने काट लेना है और फिर उसके वो भी साथ ही डाल दें इसके बंद गोभी से बड़ा अच्छा टेस्ट आता है ये बंद गोभी बिल्कुल बारीक काट ली है मैंने और इसको बस हम मिक्स करके प्लेटों में निकाल के रख देंगे <coughs> अब ये हम स्मोक की फ्लेवर देने के लिए इसको को हम कोयले का धुआं देंगे अपनी कढ़ाई कोई रेडी हो गई है आ, इस पर मैंने रोटी का टुकड़ा रख दिया और एक कोयला दहकाकर अच्छी तरह वो आप इसके ऊपर रख दें और थोड़ा सा ऑयल डालकर बस कवर कर देंगे हम इसको तो ये कोयले का हम धुआं दे, दे देंगे कढ़ाई में बस और ये सालन भी हमारा रेडी हो गया है